एक सच्चाई भी है जो आप लोगों को आज सुननी पड़ेगी। एक रिजल्ट आया जेई का, रिजल्ट आया जो टॉप 100 स्टूडेंट थे उन्होंने अपने डिजायर्ड कॉलेज भरा, उनको वो कॉलेज मिल गया IIT। पहला दिन है क्लास में सब टॉपर्स बैठे हुए हैं, प्रोफेसर आया बच्चों से इंट्रोडक्शन लेना शुरू किया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, प्रोफेसर ने पहले बच्चे को बोला अबाउट योर सेल्फ, हू आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। उस पहले बच्चे ने क्या जवाब दिया पता है? वो सेइंग सर माय नेम इज दिस, माय ऑल इंडिया रैंक इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड बच्चे को पूछा, नाउ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सर माय नेम इज दिस, माय ऑल इंडिया रैंक इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऐसे करके उसने प्रोफेसर ने सबको पूछा क्लास। ऑब्वियसली सब लोग किसी ना किसी कोचिंग सेंटर से पढ़ के आए हुए थे। ऐसे करते 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 एक बच्चे का नंबर आया, बच्चे से पूछा प्रोफेसर ने, क्योंकि प्रोफेसर खुद फेड अप हो गया था कोचिंग 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 नाम सुनते सुनते। उस बच्चे को उसने नॉर्मली पूछा, क्या तुम भी किसी कोचिंग से हो क्या, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो बच्चा खड़ा हुआ, बच्चा कहता है सर माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम मां बाप अकेडमी इंडिया। एंड प्रोफेसर वाज लाफिंग, वो हंसने लगा, कहता है ये मां बाप अकेडमी क्या है, मैंने तो पहली बार सुना है। ये सर वही जो सबके पास होती है, मां बाप अकेडमी मेरे मां बाप, मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मैंने सेल्फ स्टडी किया और मैं यहां पर पहुंच गया हूं। तो प्रोफेसर उससे सवाल पूछता है कि तुमने फिर कोचिंग सेंटर ज्वाइन क्यों नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बच्चा जवाब देता है कि सर क्या हो जाता कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर, वही ऑल इंडिया रैंक वन है जो वही लकड़ी की बेंच में इसी क्लास में बैठा है और वही मैं हूँ 59th रैंक है सर, और मैं भी उसी क्लास में उसी लकड़ी की बेंच में सामने बैठा हूँ सर, क्या फर्क। हाँ फर्क सिर्फ इतना है कि वो 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके बैठा है और मैं अपने माँ बाप के 2-2.5 लाख रुपए बचा के बैठा हूँ। तो प्रोफेसर उसकी बात को सुनकर हैरान रह गया, प्रोफेसर से रहा नहीं गया, उसने फिर से एक सवाल पूछा उसी बच्चे से, कहता है तुमने कभी तो ट्राई किया होगा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, कभी तो तुम गए होगे। तो उसने जवाब दिया, हाँ सर मैं गया था, मेरे स्कूल वाले जो टीचर थे वो मेरे घर आए, मेरे पापा से मिले और उनको बोलते हैं आपका बच्चा बहुत होनहार है, इसके लिए कुछ करो, तू किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाओ ये निकल जाएगा। पर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं, तो उन्होंने अपना घर बेचकर थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ किया और मुझे लेकर गए इस कोचिंग सेंटर में। थोड़े बहुत पैसे साहूकार ने दिए थे, बाकी पैसे वो महीने भर बाद देने वाला था। मेरे पापा ने कहा एक महीने बाद मैं आपको सारी फीस दे दूंगा, ये पैसे रखिए और मेरे बच्चे को एडमिशन दीजिए, और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी फीस लेकर आइए तभी एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं हो सकता। मेरे पापा और मैं उस इंस्टीट्यूट से बाहर आ गए। मेरे पापा की जो हालत थी उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत करूंगा खुद से, ट्राई करता हूं खुद से, हो गया तो ठीक है, नहीं तो खेत तो है ही ना पापा, अपन जोड़ देंगे, IIT से कम थोड़े ही। तो ये बात कहकर हम दोनों घर पे चले गए। पापा ने मुझे बहुत मेहनत करवाई, जो बुक मैंने मांगी वो मुझे दी, मेरी मम्मा ने मुझे घर का खाना खिलाया, मैं घर पे ही रहा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, मैंने दिन रात पढ़ाई की अपने पापा के सपने के लिए और आज मैं यहाँ, मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने मेहनत की और आज मैं उस क्लास में बैठा हूँ जहाँ ऑल इंडिया रैंक वन में बैठा हुआ है। तो फिर उस प्रोफेसर ने फिर से एक क्वेश्चन उससे पूछा, क्या तुम्हारे गांव में अच्छी फैसिलिटी नहीं है क्या, तुम्हारे स्कूल जहाँ तुम पढ़ते थे वहाँ टीचर नहीं है क्या। उस बच्चे ने जवाब दिया, थे सर, 2 टीचर बहुत ही अच्छे थे, पूरे गांव में उनका नाम था और हम भी उससे पढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी एक कोचिंग सेंटर ने उसे बड़ा सा ऑफर दिया और सर वो हमारा गाँव और हमारा स्कूल छोड़ के चले गए, सर आप बताइए हम किससे पढ़ते हैं। और ये सब सुनकर उस प्रोफेसर ने उस बच्चे की बहुत तारीफ की क्लास में और बहुत ज्यादा, अब क्लाइमेक्स आने वाला है स्टोरी का, ध्यान से सुनिए। बस इतना कहने की देर थी प्रोफेसर की, इतनी तारीफ करने की देर थी कि जो साइड में फर्स्ट रैंकर बैठा था ना वो रोने लग गया, वो सहमने लग गया और प्रोफेसर को हाथ ऊपर करके कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। वो कहता है कि सर मैंने आपसे झूठ बोला सर, आई एम सॉरी। प्रोफेसर कहता है क्या हुआ। वो कहता है कि सर मैंने भी अपने माँ बाप की मदद से ही रैंक वन बनाया, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर प्रोफेसर पूछता है तो तुमने क्यों कहा था पहले कि तुमने कोचिंग सेंटर ही ज्वाइन करके ये रैंक बनाया। तो वो कहता है सर आई एम सॉरी, एक्चुअल में मुझे ऑफर आया था इंस्टीट्यूट से और इस वजह से मैंने अपना रैंक भेज दिया, सॉरी फॉर दैट सर, मुझे बहुत फील हो रहा है। मोरल क्या है स्टोरी का, जरा उसको समझें। तो अगर आप सोचते हैं